डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अब तक लगभग 75 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और ये चौथी शीट हमारे पास है। आइए देखते हैं कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। एक एक करके हम तमाम तरह के प्रश्न देखते जाएंगे। आपका एम होना चाहिए कि आप उनको दोहराते रहें। जितना ज़्यादा दोहराएंगे उतनी जल्दी आपकी पकड़ बन जाएगी। देखिए पहला सवाल ये रहा, प्रश्न है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% दर से कम होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 411,540 है तो 3 साल पहले इसका मूल्य क्या था? माने घटते घटते इतना हुआ, यानी किसी संख्या का 95/100 होते होते इतना पहुंचा है। 95/100 माने 19/20। तो अगर इसका हम 20/19 कर दें तो हम पहुंच जाएंगे वापस 3 साल पहले का मामला है। हम लिख सकते हैं 411,540 इंटू ये बनेगा 20/19, फिर बनेगा 20/19, फिर बनेगा 20/19। यह बात आपको बहुत ज़रूरी समझना है कि अगर 5% दर से कम हो रहा है, यानी 95/100 हो रहा है, और 95/100 को आप 5 से काटोगे तो 19/20 होगा। लेकिन चूंकि हमें वापस जाना है, 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो आपको काटना है। अभी जरूर 19 से कटने वाली संख्या होगी। 19 × 38 = 3 = 31, 19 × 19 = 20, 20 और वहां पर होगा कितना 125, 19 × 6 = 114, 114। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 19 × 38 = 3 = 41, 31 हुआ, 19 × 19 = 20 = 11, यानी हो गया 12, 100 हो गया 25, 19 × 6 = 114 हुआ, 19 × 6 = 114 × 6 = 11 = 114, फिर 19 × 6 = 114। अब ये हुआ आपका 0, फिर इस 19 से भी कटेगा ही, 19 × 19, 19 के बाद में कितना हुआ 2 = 26, फिर 19 × 19 और क्या बचा 7 = 76, 19 × 76, और फिर 19 से कट गया, 19 × 6 = 114 = 60। अब देखो 2 × 2 = 4 × 8 = 48, आपका उत्तर बन गया कितना 48,000, 48,000 आपका उत्तर आ गया, ये आपका सही है। ठीक है, अगले सवाल के बारे में सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% है तो 10,000 का 3 वर्ष बाद का चक्रवृद्धि क्या होगा? अब आप सोचो जरा, हर साल का अलग अलग बात कर रहा है और 10,000 की बात है, तो ये 10,000 है। पहले साल है 4%, 104/100, दूसरे साल है 5% 105/100, और तीसरे साल 6% 106/100। अब ये क्या है, गुणा ही है। गुणा करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, है ना? देखो अगर आप ये 4 जीरो उड़ा देते हैं यहां से, तो इन सब का आपको गुणा ही करना है। करके देखियो, अब गुणा ही करना थोड़ा मुश्किल काम है। 5 × 20, 5 × 5, और फिर 1 से करेंगे तो यहाँ से नहीं 104। देखो ये जिसमें 0 होता है उनका गुणा करना कुछ ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होता। देखो 5 से गुणा किया, 5 × 20, 5 × 5, फिर 0 से गुणा करना नहीं, फिर इससे इसके नीचे कुछ नहीं लिखना, फिर 1 से करना है तो ठीक। अब 0, 2, 9 और 10, अब एक गुणा खाली 106 बचा हुआ। देखो 0, 6 × 2 = 12, 1, 6 × 9 = 54, 1 = 55, और 6 × 1 = 6, 0 से करना ही नहीं, 1 से करना है, तो यहाँ से नहीं यहाँ शुरू करना, तो 0, 2, 9 उसके बाद 10। अब 0, 2, 5, 7, 5 और 11 बटा 100 है तो 2 अंक पर 10 आएगा, 11, 57, 5 कितना है भैया, 11, 57, 5.2। और आपको पता है कि मूलधन कितना है 10,000, अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगा 1575 रुपया 20 पैसा। एक गुणा थोड़ा सा बड़ा आपके सामने, हालांकि एग्जाम का सवाल है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाहर का प्रैक्टिस नहीं है, एग्जाम में आ चुका है, लेकिन अब इतने सवालों में से एक सवाल को अगर ऐसा हो जाए तो कोई उसी बड़ी बात नहीं माना जाना चाहिए।
4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यदि ब्याज की दर हर 6 महीने जोड़ा जाए तो 2 वर्षों बाद कितना ब्याज होगा। एक बार चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही सारी चीजें हैं। नहीं, ठीक, ओके। देखिए अभी सवाल को ध्यान से देखिए, 10,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से रखा है और 6 महीने जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना। अब 2 वर्ष के बाद का मतलब क्या हुआ, 4 साल हो गया छमाही का। ऐसे बनेगा 10,000 और 4% 4/200 होगा, 51 बन जाएगा, गुणा 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50 गुणा 51/50। तो 4 जीरो तो आपके ऐसे ही चले गए। हमें क्यों याद आ रहा है कि कल ऐसा सवाल पिछले एक्सरसाइज में था और मेरे ख्याल से ये वाला उत्तर बना था। आप इसको गुणा कर लीजिएगा तो आपका उत्तर ये मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, लिखा था 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, इसके तुल्य ब्याज प्राप्त करने के उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने % चक्रवृद्धि ब्याज देना चाहिए। ये सवाल भी हो चुका था, देखो वो 6% पर था। 12% में क्या करना होगा, अगर अर्धवार्षिक आधार करना तो अर्धवार्षिक 6% हुआ, तो आपको इस फार्मूले पर ध्यान रखना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे आप जो है इफेक्टिव रेट आपको पता चल जाएगा। देखो अब हम 6 लिखेंगे यहाँ पर, 6 प्लस 6 गुणा 6/100, ये कितना हुआ 12, और ये कितना 36/100 माने 0.36, यानी 12.36% का इफेक्टिव रेट तैयार हो पाएगा। अगर आप छमाही आधार पर गणना कर देंगे तो जो 12% दर होता है वो बन जाएगा 12.36 करें। अगला प्रश्न देखें, कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 1352 रुपया हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब हुआ कि हमको ए दिया गया है, पी चाहिए, हमको पी मालूम नहीं है, तो 4% दर है और 2 साल का टाइम है और ये पता है कि 1352 हो जाएगी। इसे थोड़ा सा छोटा हम कर सकते हैं और ये हो जाएगा 26/25, उधर जाएगा 25/26 हो जाएगा, तो पी बराबर 1352 गुणा 25/26 और गुणा 25/26। अब जब आप इसको काटते हैं बहुत आराम से कट जाएगा। कैसे कटेगा देखो, आप काटते हैं 13 दूना 26, 13 1 13 3 4 52, 13 दूना 26 और 13 8 104 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 625 दूना 1250, यानी वह धन कौन सा है, जरूर 1250 रहा होगा तभी ऐसा बन पाएगा। बोलिए, बस काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, आराम से सवाल आता जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी। हम लोगों ने देखा था, शायद ये प्रश्न था, 2 वर्ष आया था, मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि 2000 को हम जब उधर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, 1 प्लस 10/100 पावर एन बराबर 2420/2000। इसको जब आप काटते हैं तो ये बन जाएगा 121/100, यानी कि 11/10 का स्क्वायर, और यहाँ जब इसको काटेंगे तो ये भी बन जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भैया, ये एन है और ये 11/10 का पावर 2 है, आपका आंसर कितना बन गया, n/n = 2, यानी 2 वर्षों में ऐसी घटना हो सकती है अगर 2000 रुपया है तब। अगला प्रश्न आपके पास है कि 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर इतना रुपया हो जाती, निवेश की अवधि बताओ, समय बताना। कहना चाहते हैं कि भाई 3200 रुपया की राशि है और 10% का दर है, तो ये ध्यान रहे यहाँ 400 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 4n लिखना पड़ेगा और तब यहाँ हो जाएगा 3362, समझो। त्रैमासिक कह रहा, त्रैमासिक कहेगा तो दर चौथाई हो जाता और समय 4 गुना। आओ हल करते, अगर इस 3200 को हम यहाँ से हटा दें, यहाँ रख दें, तो हमें इसे काटना पड़ेगा। आओ देखें कैसे काट सकते हैं, पहले तो 2 से ही काटते हैं, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 8 16 और 2 1 के 2, ये बन जाएगा 1600। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, 41/40 का स्क्वायर दिख रहा है ये, और ये क्या दिख रहा है, 41/40 का पावर 4n दिख रहा है। तो बताओ 4n बराबर अगर 2 है, n बराबर 2/4,
यानी आधा वर्ष का मामला है ये। कितना है? आधे वर्ष में यह सब हो पाएगा। आधा वर्ष माने कि 6 महीने। सवाल देखिए अगला। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 88,020 हो जाती। दर बता दो भाई। दर बताना है हमको 1+R/100 और पावर क्या लिखा है? 2। 2 साल बोला, ठीक है, 2 वर्ष कितना हो जाती है? 88,020 हो जाती है। रकम कितनी है? 8,000। सोचो कितने आसानी से उसको आप काट सकते हो। ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 400। हम लोग इसको लिख सकते हैं 21/20 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो सकता है 1+R/100 का स्क्वायर। तो अब हम दोनों स्क्वायर हटा देंगे और 1 को उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ बचेगा R/100 और वहाँ बचेगा 1/20, और 20 से आप इसको काट सकते हो। R बराबर कितना जाएगा? 5%। कौन सा रेट चल रहा भैया? 5%। अगर 5% रेट किया जाए तब आसानी से इसको हम काट सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपये ब्याज प्रति प्राप्त होता है, ब्याज की दर बताओ। अगर 1261 रुपये ब्याज मिलता है और 8,000 रुपये हमने लगाया है, 8,000 में से हम 1261 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9261। बताओ 8,000 रुपया है हमारे पास और इसको हम 1+, हमें दर ही तो बताना है, और इसको हम रखेंगे 3 वर्ष के लिए, तो ये बन जाएगा कितना? 9261। अगर ये 60,000 को मैं इधर लेके आऊँ तो हम जानते हैं इस बात को, ये हटा दो यहाँ से, हम जानते हैं कि ये 21/20 का पावर क्यूब है, तो ये क्यूब हट जाएगा, आर वहाँ जाएगा, तो फिर यहाँ भी वही हो जाएगा, R/100 = 1/20, और इसको भी काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5%। ये है, डॉलर साइन नहीं रहेगा। आप देखो सवालों को कैसे लगाना है, कैसे काटना है, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती, तो 20 वर्ष के बाद वो कितनी हो जाएगी? अच्छा सोचो आप, 12,000 की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही, माने 1 रुपया अगर हमारे पास होता तो 5 वर्ष में 2 रुपया हो जाता, अगले 5 वर्ष में उसका दोगुना हो जाता, अगले 5 वर्ष में उसका दोगुना हो जाता, अगले 5 वर्ष में उसका दोगुना हो जाता। बोलो, तो हम ये जान चुके हैं कि 20 वर्ष में हमारा धन कई गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। तो बताओ ये रकम कई गुनी, कितना हो जाएगी? 16 कर लो, ये होगा 0 0 0 16 32, और 16 के 16 3 19, कि भैया 192 वाला आंसर आपका सही जगह। सवाल देखो कैसे हल किया जा रहा, 1 रुपया हमारे पास था, 5 साल में दोगुना हुआ, अगले 5 साल उसका दोगुना हुआ, अगले 5 साल में उसका दोगुना हुआ, अगले 5 साल में उसका दोगुना हुआ, कुल 20 साल लगे और हमारा धन 16 गुना हो गया। तो हमारे पास 12,000 था, उसका 16 गुना कर दिया हमारा आंसर। आगे अगले सवाल पर चर्चा करें, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। सवाल हो चुका है, देखो 3 वर्षों में 8 गुनी होगी, बताओ कोई 1 रुपया रहा होगा तो 1 वर्ष में दुगना हुआ होगा, अगले 1 वर्ष में उसका दुगना हुआ होगा, अगले 1 वर्ष में उसका दुगना हुआ होगा, तो 3 वर्ष में 8 गुना हुआ, तो एक बताओ अगला 1 साल और लगा दे तो 16 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा ना। अब इसको लगाने का तरीका मौखिक कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, लगा दिखा दे। कई बार ऐसा होता है कुछ लड़के सोचते हैं यार हमसे तो ना हो पाए रहा, क्या करें। देखो कह रहे कि 3 वर्षों में 8 गुनी हो गई, 8 गुनी माने 1 रुपया हमने जमा किया, 1 रुपया 1+R/100 दर दिया, कोई जरूरत ही नहीं, 3 वर्षों 8 गुनी हो गई, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अभी दोनों कट जाएंगे, 1 उधर जाएगा तो घट के 1 बन जाएगा, R/100 बराबर क्या बना? 1, R/100। अब बताओ ये 100% हो रहा है, 100% हो मतलब समझ तो क्या हुआ, 1 साल में दुगना हो रहा है। अब 1 साल में दुगना हो रहा है, कई साल में 16 गुना हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर दर 100% की वृद्धि होती, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। अच्छा बताओ 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती, यानी 8 वर्षों में कोई धन दुगना हो रहा, अगर 8 वर्षों में कोई धन दुगना हो रहा है तो दर क्या होगी? सोचो, दर निकालो पहले, 12.5%। कैसे? मान लो हमने 1 रुपया जमा किया, मूलधन है, तो SI हमारे पास कितना हुआ? 1 रुपया, और टाइम हमारे पास क्या है? 8 वर्ष। अब रेट निकालो, ब्याज गुणा 100
बटा मूलधन गुणा समय, कितना आया 12.5%। अब क्या कह रहे, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। भाई 8,000 रुपया है और एक धन, ये 25/200 हो जाएगा और 2 साल का मामला है, 25×8=200 होता है, तो निकालो 8,000 × 9/8 × 9/8 काटना है, 8 से काटोगे 1,000, अब फिर 8 से काटोगे तो बनेगा कितना, ही 125 में 81 का गुणा करना, 125 में देखो भाई हमें 125 में 81 का गुणा करना है, 8×5=40, 4×2=16, 4×2=16, 4×2=20, 2×8=8=10, तो 5, 2, 1 और 10, अभी मुझे भाग नहीं देना बस, ठीक है, इतने से अगर हम 8,000 निकाल लें तो 2,125 ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये हमारा आया इतना, ये हमारा मिश्रधन है, इसमें से अगर हम मूलधन घटा दें 8,000 तो आएगा कितना 2,125, काटते हम चले गए। अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 × 3/8 गुना हो जाए तो दर बताओ 3 वर्षों में। सोचो हमारे पास क्या है, 1+R/100 है और ये 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 8×24=27/8, 27/8 को हम लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब और तब ये 3 का क्यूब कट जाएगा, अब ये बन गया 8/100 और ये 1 उधर जाके घटेगा तो 1/2 बनेगा, 2 से इसको काट दोगे, आर बराबर कितना आ गया 50%। दरअसल समय जो होता है, समय का क्या मतलब होता है, जब आपका अभ्यास बेहतर होता है तो समय कम लगता है और अभ्यास नहीं बेहतर है तो फिर समय है समय लगना। अगला सवाल देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500, 3 वर्षों में 45 हो जाए तो दर बता दो। 2 वर्षों में 500 हुआ, 3 वर्षों में 45, भाई 40 रुपये ज्यादा मिला और मूलधन कितना है 500 और समय लगा 1, 5×8=40, क्या बताना था, दर बता दो, उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर बता दो 8%। दरअसल देखो 2 साल से 3 साल होने में 1 साल लगा और 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, वही मैंने लाभ उठाया, ये सोचना, जब ज्यादा का अंतर हो, 1 साल से ज्यादा का अंतर हो तब ये तरीका नहीं काम करता, तब आपको फैशन करना पड़ता, भिन्न बनाना पड़ता। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 6,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा किया, एक अन्य व्यक्ति ने 5,000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया, 2 वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा, भाई निकालना पड़ेगा। देखो 6,000 रुपया है 5% की दर से, कै साल पर 8% से जमा किया, 9 रुपया जमा किया, ठीक है 2 वर्ष बाद गुणा 2, अब जरा सोचो कितना हुआ ये, 2×5=10, 600, ठीक है हमारा साधारण ब्याज आ गया, अब तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले 5,000 है, 8% दर 108/100, 108/100 को आप क्या कर सकते हो, 4 से काटो, तो 4 से काटेंगे 108 को, 4×2=8, 7×7=28, बोलो 8% दर है ना, 108/100 करोगे आप तो 4×2=8 और 4×7=28, 27/25, ये बना 27/25×27/25, आओ काटते 25 से काटो 200 और 25×8=200, हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा 729 में, 8×9=72, 7×8=16 और 7×23=2, 8×6=56 और 2=58, इसमें से अगर आप 5 घटा देंगे कितना 5,000, 5,000 इसमें से अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 832, बताओ ये 600 है ये 832 है, क्या आपको पता चल रहा है कि 232 रुपये इनको ब्याज ज़्यादा मिल गए, भाई चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज़्यादा तो मिलता ही है, साधारण ब्याज की अपेक्षा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा बनता है क्योंकि वह ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता। अगला सवाल देखें, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया धन बताओ। देखो 1 वर्ष की बात ये कर रहा, 1 वर्ष को अगर इसको हम 6% कर लें तो हम 2 साल का SICI वाला फार्मूला, अंतर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, हमको बताना पी बराबर, तो पी बराबर होगा डी माने 36 रुपया ब्याज गुणा 100² / R², आर की जगह मैं लिखूंगा 6×6, अगर मैंने 6×6 किया तो 36 खत्म हो जाएगा और हमारा उत्तर बन जाएगा
10,000 रुपया था, ऐसा किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है विद्यार्थी जब दर ऐसा हो और एक वर्ष के अंदर का मामला, अगर एक वर्ष बढ़ा देते तो ये फार्मूला नहीं लग पाता है। 15,494 रुपया को ए और बी में स्क्वायर बांटा गया कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाता है। तो देखो जरा सोचो आप, हम क्या करेंगे, ए है हमारे पास, अब उसको हम लिखेंगे 1/20/100, ठीक। और कई साल का मामला है कि 20% दर से 9 वर्ष के अंत में, ये 9 वर्ष है। अब ये देखो बराबर बी में यहां लिख देता हूं 1+, इनका कौन सा रेट है भाई, 20% और ये है 11, करे बराबर। अगर हम ए बटा बी करना चाहें हमारे पास क्या बचेगा, देखो 20-25 100 होता तो ये उसके नीचे जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 5×5 6/5, यानी स्क्वायर करोगे तो 36/25 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, ए का हिस्सा, ए माने 36 होता, तो हमारा उत्तर होगा 15,494 × 36/ जोड़ो 6×5 11 3×5 6 61, ये निश्चित रूप से 61 करेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आओ काटा जाओ, 6×2 12 दो बार जाएगा, चेक कर लेता हूँ, 15,494 को हमें 61 से भाग देके जांच करना चाहिए, 2×1 2×2 2×12 2×3 9 तो 6×5 30 5×5 चलेगा, 5×5 5×6 30, अब ये हुआ 4 और 4 6×4 24 254 आया भाई, 254×36 हमारा उत्तर होगा 254×36। इतना करें, हमको क्या पूछा गया, एक का हिस्सा गुणा कर लो बस काम हो गया, करो गुणा, 6×24 2 6×5 2×2 32 3 6×2 12 3 15 और 3×3 6×12 1 25×6 75 76 तो 4 4 6×5 11 7×8 1 91 44 नहीं दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर। आप देखो जैसे गुणा करने के लिए आ जाए, भाग करने के लिए आ जाए, कुछ भी, वहां आलस मत करिए, ये मत सोचिएगा अरे करेंगे समय लगेगा क्या, अरे सोचने में बहुत समय लगेगा, कर डालो तो ज्यादा ठीक। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज के 10% वार्षिक दर से 5,000 की धनराशि उधार ली, प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे 1500 रुपये वर्ष किया, तीसरे वर्ष के समाप्ति पर उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। देखो भाई 3 राउंड करना पड़ेगा, 5,000 के पहले साल क्या हुआ, हुआ 5,000 रुपया उन्होंने जमा किया है, 10% का रेट है, तो पहले साल में जो ब्याज हमारा तैयार हुआ वो कितना है 500, और अगर 500 हमारा ब्याज है तो हमें देना कुल मरा हमारा मिश्रधन बन के आया 10,500, कितना 5,500, और इसमें से उन्हें 1500 जमा भी कर दिया तो कितना बचा 4 हुआ। अब अगर 4,000 बचा है तो दूसरे साल फिर 10% लगेगा, तो आपकी बार ब्याज बना 400, और अगर आप 4,000 में 400 जोड़ोगे तो बनेगा 4,400, और 4,400 में से हमें 1500 घटाना पड़ेगा क्योंकि वो पेमेंट कर ही रहा है, 14×5 = 9 और 2900 बना। अब देखो तीसरे साल क्या हुआ होगा, 2900 रुपया था, इसका 10% हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया भैया देखो 290, और अगर 290 आप इसमें जोड़ोगे 2900 में कितना हो जाएगा 3190, कितना हो जाएगा 3190 हो जाएगा, इसमें से आप 1500 तो पेमेंट करवे करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 9 और 11 में से 5 गया 690 1690, ये है आपका, यानी इतना करने के बाद भी आपका 1690 रुपया भी बचा रह जाएगा। आइए अगले सवाल बात, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया, इस राशि उतने समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, 100 रुपया होगा। आपको एक जानकारी भी दूं, कभी भी अगर इस तरह सवाल आता है तो उसके निकट में जो सबसे बढ़िया संख्या आपको नजर आ रही है वही चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज बनता है। और देख लेते 2 वर्ष के 4% वार्षिक दर से, चलो देखो भाई पी रुपया था हमारे पास, अब हमें नहीं पता है तो 1+4/100 (2−p = 102, इससे हमको पी मिल सकता है, आओ देखें कितना मिलेगा, ये काट लो तो ये भगा 25, पी हम कामन ले लिए तो 26/25 = 676/625 - 1 = 102, तो अगर आप घटाएं तो पी बराबर हो जाएगा 102×625/5, इसको घटाओ 6 में से 5 घटाओ 1 और ये हुआ 5, 51×2 ये हुआ 1250, ये हमारा मूलधन आ गया।
अब 1250 के लिए साधारण ब्याज निकाल रहा हूं, गुणा 4 गुणा 2 बटा 100, काटो 25 चौके 100, 25 पच्चीस 125, 4 कट गया, 50 गुना 100। आप खुद देख लो, हमने चक्रवृद्धि ब्याज से हमने पहले पी निकाल लिया, पी आया हमारा कितना 1250, और 1250 के 4% वार्षिक रूप से 2 साल का हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, हमारा उत्तर हमारे पास। आइए अगले सवाल बात, किसी राशि पर अधिभाषिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि में 1 वर्ष के ब्याज की दर 10% रही है, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 है, तो मूल राशि बताओ। अर्धवार्षिक रूप से दे, भाई अर्धवार्षिक दे आ गया, ध्यान से समझो, अर्धवार्षिक आ गया तो मैं वही 2 वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमें डिफरेंस दिया गया है 180 रुपया, तो पी बराबर, हमें पी बताना है ना, तो हमारा पी बराबर हो जाएगा कितना है भैया, 180 ब्याज गुणा 100 गुणा 100 अपान दर, ध्यान रखना होगा हमें 5 गुणा 5 करना पड़ेगा, हमने क्या कहा था क्योंकि 1 साल का मामला, आओ काटते, ये हुआ 25 चौक का 100, ये हुआ 18 चौक के 72, 18 चौक के 72, उसके बाद 72,000 रुपया का मामला है, जो कितने आसानी से बताया जा सकता है, ये तभी हो सकता है जब आपका ये फार्मूले पर आपकी बहुत बढ़िया पकड़ बननी चाहिए SI/CI के डिफरेंस के ऊपर। अगला प्रश्न है, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन 1200 इतना अंत, अतः ब्याज की दर बताओ। पहले वर्ष और तीसरे वर्ष की कहानी बता रहे, बताओ कुछ राशि निवेश किया गया, नहीं मालूम क्या, हमको दर ही बताना। आओ देखा जाए, पहले वर्ष का निवेश खींचो मिश्रधन, तो अगर हम लिखें कि पी हमारे पास था 1+R/100, और यहाँ पर एक लिखा है, एक नहीं बल्कि 3 लिख दो, ये लिख दो 1587, और उसके नीचे लिख दो पी 1+R/100, यहाँ लिख दो 1, यहाँ लिख दो 1200, और अगर हमने भाग दे दिया तो ये तो पी गया, यहाँ बचेगा 1+R/100 का स्क्वायर बचेगा ना, भाग में घाटे घटते, अब आओ इसको काट लिया जाए, तो ये 3 से कट रहा है, देखो 3 5 15, 3 2 6 3 9 27, और 3 चौके 12, आप जानते 529 ये है, 23/20 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम काटते हैं भाई तो स्क्वायर तो गया, एक वहाँ ले जाएंगे तो 8/100 बराबर क्या हो जाएगा, 3/20, क्या बचेगा 3/20, 20 है, अब 20 5 100, 5 3 15%, 8 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 15% आ जाएगा, गजब सवाल है, देखो कितने आसानी से काटते जा रहे हैं, है ना, काटते समय आपको एकदम ध्यान रखना कि उड़ाना ही है, हैं अंकों पर इतनी पकड़ बनाए। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को उधार ली गई कुछ राशि को 2 वार्षिक किस्तों में जमा करना है, तो चुकाएगी कितने, तो मूल राशि बताओ क्या, कह रहे हैं 5% वार्षिक दर से उधार ली जाए 2 वार्षिक किस्तों में इतना रुपये प्रति किस्त चुकाएगी, 1764 भाई, 1764 पहली किस्त है, और आप जानते हैं दर कितना है 1+5/100, और फिर यही हाल है 1764 1+5/100 और power 2, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 5 से इसको काट दो तो 20 आ जाएगा ये, अब 1764 हम ले लेते हैं कामन, ये कितना हुआ 20/21 और प्लस 400/441 जोड़ दिया जाए तो 441 है यहाँ पर, तो 21 दुना 42 420 और गुणा 420 और 400 कितना हो गया भैया 800, देखो 21 दुना 420 400, ये हो जाएगा 820 और गुणा 1764, आप देखो 4 बार में कट गया होगा, अगर 4 बार में कट गया है तो गुणा कर लो 400 4 2 8 4 8 32, कितना हो गया 3280 रुपया, यानी वह धन कितना रहा होगा 3280 रुपया रहा होगा, उसी 3280 का सारा खेल किया गया, आनंद हो रहा है। अगले सवाल पर बात करें, अगला सवाल है कि एक धनराशि प्रतिवर्ष संयोजित द्वारा 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होने पर 241 रुपया बढ़ जाता है, उधार ली गई धनराशि का, ये लफड़े का काम है, कैसे 2 वर्ष के लिए लिया गया था चक्रवृद्धि ब्याज, अब करें अर्धवार्षिक कर देंगे, भाई अर्धवार्षिक कर दोगे तो 2 वर्ष में 4 बार हो जाएगा, और 4 वर्ष हो जाएगा तो काटने में बहुत समय लग जाएगा, है कि नहीं, अब इसी में से कोई धन है, कह रहे हैं तो भाई बताओ कि उधार लेगी धनराशि बताओ क्या करें, वो ज्यादा दे रहा उतना है, तो हम क्या करें,
कोई धनराशि मान लो 1,000, 2,000 या 10,000 मान लेते हैं, क्योंकि वो 10,000 करोगे तभी 4 वर्ष करना रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखो हमने मान लिया वह धन रहा होगा, देखो 10,000 एक्स मान लेता हूं, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये है, हाँ ये है। देखो 10,000 हमने मान लिया, 2 वर्ष, अब 20% दर है भाई, 20% दर 120/100, 120/100, तो आप करेंगे एक्स लगा दो भाई, ऐसे कर दो इसको 12/144 एक्स, यानी मैं देख रहा हूं कि यहां जो ब्याज मार आ रहा है वो 44x आ रहा है ना, कितना रहा 44x। हमने क्या माना है मूलधन, हमने मान लिया 10,000x, मूलधन को हमने मान लिया है 10,000x। काहे इतना बड़ा माने हैं, क्योंकि अभी मैं छमाही कर दूंगा जब, तो 2 साल में 4 राउंड करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 4 राउंड बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने किया। चलो आगे बढ़ते, अब यही 10,000x ले लो फिर से, अब की बार जब अर्धवार्षिक आप करोगे तो 20% का दर आधा हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 110/100, यानी 11/10 कर लो भाई, 11/10, फिर 11/10 और फिर 11/10, 1 जीरो यहीं काट दो और 4 जीरो पूरा उड़ा दो यहां से। अब 11 का क्यूब होता है 1331, इसमें आपको 11 जुड़ा करना, 11 क्यों 11, 1 गया 33, 33 1 34, 3 गया 33 और 3 36, 3 11 के 11 3 14, 14 641, 14641। मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पे 4400 था, यहाँ कितना हो रहा 4641 हो रहा, बताओ ये कितना एक्स ले लो, यहाँ पर ब्याज बन रहा है 4641 और यहाँ ब्याज बन रहा है 4400, घटाया जाए तो ये आ रहा 241 एक्स और इनका कह रहे 241 रुपया, वाह 241 रुपया आ रहा है, धन कितना रहा होगा 10,000 रहा होगा, यानी हम जो सोच रहे वही उतना उत्तर भी बन गया है ना। बड़ा होता है सवाल, अगर 2 साल का बना तो 2 साल में आप जानते हो कि अगर छमाही की बात हम करेंगे तो छमाही निश्चित रूप से 4 पहुंच जाएगा। चल जा भाई आओ देखा जाए आगे क्या है, 4 वर्षों में 20% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि क्या है भाई, लफड़े वाली है। आओ देखो हम लिख दे रहे हैं, काट लियो भाई, 25,000 है 20% प्रतिवर्ष की दर से, तो 120/100 को आप 6/5 लिख सकते हो, देखो 6/5 × 6/5 × 6/5 × 6/5। आमतौर पर पूछा नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, ये तो 25 हुआ और फिर ये 25 हुआ, अब 40 का गुणा करना है, 6 का क्यूब होता है 216, अरे 36 1296 आ जाएगा, ध्यान से देखो 6 × 36 6 × 36 6 × 36 1296, 40 का गुणा कर दो ये आया 0 और 4 × 24 2 4 × 36 2 38 3 5 × 48 3 51, कितना भाई क्या चाहिए 51840, कहीं दिख रहा पहला वाला विकल्प आपके पास सही है। अब देखो 4 साल का मामला, निर्भर करता है कि आप संख्याओं के साथ कैसे खेले हो, अगर ठीक से खेले हो तो जल्दी होगा, नहीं खेले हो तो टाइम लगेगा। ये आखिरी सवाल आज का है, 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए, वाह 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो, ये बहुत मजेदार सवाल है। इसके लिए नियम होता है कि जितना, ये देखो पहले नियम लिख दूं, तो पी ब्रैकेट में 1+r/100 और यहाँ ए लिख दो, अगर कभी कोई समय ए सही बी बटा सी के रूप में हो तब ये नियम लागू होता है, और गुणा यहाँ हो जाता है बी बटा सी, एक लाइन में हो सकता है। मूलधन कितना है 12,000 रुपया, 12,000 रुपया है भाई, और यहाँ एक धन 8/100 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, ये वाला 2, अब फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओ, एक धन 8/100 और गुणा 5/8 करना पड़ेगा, यही काटना है बस, आओ काटते। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, ये हुआ 25, ये हुआ 12,000 गुणा 27 × 25 × 27/25 और गुणा इसको देख लिया जाए, 8 कट जाएगा और 5 काटोगे 20, 21/20 यही काटना, आओ काटा जाए।
तो पहले 20 से ही काट दें, 20 छक्का 120, फिर 25 से भी काट सकते हैं। 25 एक 25, अरे 25 दूना 50 भाई, ये बना 25 दूना 50 और 25 चौका 100, अब नहीं कट रहा। अब 24 गुणे 27 गुणा 27 गुणा 21 में जो आएगा उसको भाग देना है 25 से, कोई ना कोई राउंड गिनती आ जाएगी, है ना। और कोई निकटतम रुपया तक बताना तो दशमलव वाला हमें छोड़ भी देना। देखो 27 का स्क्वायर होता है 729, तो चलो गुणा कर ही देने, कहोगे भैया गुणा ही नहीं करा, तो ये हुआ 729 को अगर हम 24 से गुणा करें तो 4 9 36 3 4 9 11 1 4 7 28 29, और यहाँ 2 9 18 1 2 4 5 2 7 14, देखो ये 6 हुआ, ये 9 हुआ, 9 5 14 4 2 6 7, और इतना हुआ। अभी इसमें 21 का गुणा होना बाकी है। चलो भाई, तो ये आ गया 17496 और 2 6 12 1 2 9 18 1 19 1 2 4 8 9 और 17 2 34। अब ये बात आई है 6 9 2 11 1 9 4 13 14 1 9 7 16 1 17 1 4 5 6 और 3, 36 74 16, कितना आया 36 74 16 आया। अभी इसमें हमें 25 से भाग देना पड़ेगा, है ना, 25 नीचे बचा, ध्यान रहे 25 से आप भाग देंगे तो एक राउंड जाएगा, और एक राउंड जाएगा तो बनेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ, क्योंकि 2 से इतने वर्षों के लिए 8% का रेट चल रहा है, तो 8% का रेट चलो। दूसरा एक रास्ता बता देता हूँ, क्योंकि इस रास्ते बहुत समय लग गया। देखो क्या करिए, ध्यान ही मत दीजिए, 5/8 को अभी बाद में देखेंगे, पहले 2 का निकालते हैं। तो 12,000 रुपया है हमारे पास, दर है 8%, यानी 108/100 108/100, पहले इसी को उड़ा लिया जाए, है कि नहीं। और जो बाकी जो आएगा उसका मूलधन का नाम साधारण ब्याज निकाला जाता है। देखो तो अगर हम इसको थोड़ा 4 से काट दें तो हो जाएगा 4 2 8 और 4 7 28 और 25, इतनी बात पहले कर लेते हैं। चलो 25 से काटते हैं, 2500 25 8 200 और क्या बात, 0 बन, देखो 1 2 3 0, तो 2500 2500 25 8 200 एक 0 बन गया, फिर 25 से नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, तो 5 25 25 और 5 9 45 5 36 96, तो ये हुआ 729 गुणा 96, 6 9 54 5 6 2 12 5 17 1 7 42 43 9 9 81 8 9 2 18 8 26 2 9 7 63 और 2 65। अब ये रकम आई भैया 4 4 7 1 8 6 3 9 और ये बचेगा कितना 5 4 9 और 6, इसे हमें 5 से भाग देना ना, तब ये बनेगा। तो भाई इसमें 5 से भाग दे दो भैया, अगर हमने 5 से भाग दिया तो कितना बन जाएगा, हम यही लिख लेते हैं 6 9 9 8 4 को हमने 5 से भाग दिया, कितना आ गया भाई, तो यही लिख लेता हूँ, 5 1 5 19 5 3 15 4 49 5 9 45 और 4 48 5 9 45 3 34 5 6 30 और 5 8 40, इतना आ गया। अभी 13 तो ये जितने वैल्यू बची है इसमें अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छा ब्याजे हमको खाली बताना था, इतना आ चुका है हमारे पास 3900, ठीक है, 12,000 निकालोगे तो कितना आ गया 199 तक पहुँचेगा। अब इसका जो है 2/5/8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालो, कितना है 13,996 खाली लेता हूँ, 13,996 को हम लिख लेते हैं 14,000, सही रहेगा, आसान हो जाएगा। आओ भैया 14,000 लिख देता हूँ, है नहीं, और 14,000 लेकर के 8% रेट पर 5/8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बता दो। अब फायदा क्या मिलेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, है ना, खाली 14 25 77 700 आया। तो अगर आप देखो जरा 1996.8 है, इसमें आपको 700 रुपया के आसपास और जोड़ देंगे, आसपास में इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही 9 7 16 1 2 2696, अब 2696 की जगह आप 2697 बहुत आराम से ले सकते हैं। तो ये है तरीका, क्या करना चाहिए, जब भी कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो जो पूर्णांक गिनती दिख रही है उसका तो आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला नियम लगा दो, और जो फ्रैक्शन हिस्सा बचा है इसको आपको साधारण ब्याज से लगा देना चाहिए। तो विद्यार्थियों कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कैसे कैसे सवाल थे, देखो अभी तक कुल हमने 100 प्रश्न किए हैं, और यह मान के चलो कि 100 प्रश्न में से अगर एरर को हटा दो, थोड़ा बहुत खुराफाती सवाल भी हटा दो, अगर इसमें से मैं 10 सवाल भी हटा दूँ ना तो भी 99-90 प्रश्न आपके पास बहुत ज़बरदस्त हैं 4 वीडियो मिला करके। कृपया उन 90 प्रश्नों पर थोड़ा सा अभ्यास कर लो, मजबूत हो जाएंगे,
मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, थैंक यू।